السلام عليكم. تلعب؟ ما في كلام. متى صار لدي؟ السلام. هندل. زنداباد 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 لاقي لاقي يا جساب. اوكي. ابو جان چلا رہے ہیں سائیکل زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویری ویری صبح بخیر الحمدللہ جی ہماری ڈکی گینگ جو ہے نا کل سارا دن باہر نہیں گئی فارم ہاؤس سے یہیں پہ رہی ہے آج انڈے دیکھتے ہیں کہ کتنے نکلتے ہیں ابھی شور شرابہ انہوں نے شروع کر دیا کہ ابھی ہمیں باہر نکالو باہر نکالو اور ماشاء اللہ ایک انڈا تو مل گیا چلو بھائی کھا جاؤ کھا جاؤ شاباش شاباش ارے یار एक ही अंडा बिस्मिल्लाह 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 और ये अभी गर्मा गर्म है गीला भी है थोड़ा सा यानी ताज़ा अंडा दिया अभी मुमकिन है दिन को दे अंडा ओए होए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे हमारी सील मुर्गी जो है ना ये भी आ चुकी है और इन्होंने भी अंडा दे दिया माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये रहा जी सील मुर्गी का सील अंडा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये रात का ही दिया हुआ है थोड़ा ठंडा है और ये बतख वाला तो अभी गर्म है अभी इनको संभालते हैं और मेरा पता है दिल क्या चाह रहा है कि ये नंडू को ना हैचिंग के लिए रख दो यार फिलहाल तो इनको यहीं रखते हैं शॉपर में ज़्यादा हाथ भी नहीं लगाना चाहिए ख़राब हो जाते हैं फिलहाल तो ये रखे हैं अभी कोई शॉपर देखते हैं उसमें डालते हैं जंगल में है किनारे पे मार्शल ना मेरे साथ आके बहुत खुश होता है आते जंगल में घुस जाता है और मोर ये गया और मोर जहाँ जहाँ होते हैं ना वो फिर आवाजें करने लगते हैं यानी पीछे भागता है ये परिंदों के जानवरों के लास्ट में ये बंदर के पीछे भागा था बंदर मुश्किल से बचा बल्कि ये मुश्किल से बचा तो खैर अपना सफर कंटिन्यू करते हैं इससे क्या हो गया ये नाराज हो गया ये मंकी ऊपर हमें आवाजें दे रहा है एक है दो है फिलहाल दो एक ही दो है दो है दो है ऊपर वहां से सीटियां बजा रहा था यानी आवाजें निकाल रहा था मार्शल कहाँ गया ये आ गया मार्शल मंकी ये है ये ब्लैक ब्लैक डॉट है जो अल्हम्दुलिल्लाह जी बन के ऊपर से जा रहे हैं और ये सीन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है एक बारीक सी पगडंडी है साइडों पे दरख्तों ने कवर किया हुआ है और अभी सुबह सुबह ना ठंड लगती है और ठंड की वजह से ना ये हल्की हल्की स्किन जो है इस पर मुझे ख़ारिश जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड से एलर्जी है और वो भी पाकिस्तान में है जब मैं साउथ कोरिया गया था ना तब वहाँ पे ठंड यहाँ से ज़्यादा थी -18 तक की सर्दी मैंने देखी है वहाँ पे लेकिन ओए होए तीतर उड़ा दिया मार्शल ने वहाँ पे ये मसला नहीं हुआ मुझे ये ठंड वाला लेकिन यहाँ पे है ये गया मार्शल मैं और मेरा मार्शल अल्लाह अकबर वो गिदड़ 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 पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले भाग दसे नहीं निकल गया हमारे जंगल में ना परिंदों में ज़्यादा जो है वो मोर हैं तितर बटेर हैं जानवरों में जो है वो बंदर हैं और गीदड़ हैं ये क्या गीदड़ और मार्शल इधर आ ओए मार्शल लेट हो गया अब बस कर वो तो जंगली है उसे पता है यहाँ के रस्तों का मेरी एक्सरसाइज के साथ साथ इसकी तो मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गहरा बोर है ये भी फिल्टर वाला पानी है मार्शल को भी प्यास लगी हुई है लेकिन इतना पानी है नहीं फिर भी वो गुजारा कर लेगा चलनी स्नो वाइट मज़ा आ रहा है स्नो वाइट का माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्लाह अकबर अस्सलामु अलैकुम हाँ जी चलाओ चलाने वाले पास नहीं तुम आते ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਂਡਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਓਕੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ
चला लेना, तेज चलावा तो फिर चला लेना, स्लो नहीं चलती, स्लो नहीं चलती। ओए पोली है? हाँ पोली है, पोली चला लेना। जिंदाबाद। ओके कितों हो गया बताते हो? हाँ जी ठीक है। आज फिर उन केड़े वे वेला मैं वेले ही हूं, तू ही गल सुनाओ। मैं तू नहीं सर वेली ओ उधर ना चार करके आना, उधर साइड देख के आना की करदा है। ठीक है जदों आखो सर, तुहाडी मर्जी है, तुहाडा मूड है, मैं हाजिर। आह बंद नहीं तो विचू नहीं, नहीं विचू नहीं, उच्चा नीवा बड़ा। लें जी अबू जान ने भी राइड कर ली माशाल्लाह। लेकिन अबू जान कह रहे हैं कि तेज़ तेज़ चलाऊं तो कंट्रोल में थोड़ी होती है, स्लो मैं नहीं चला पाता ना। ये जो रात को ठीक की थी फुल पानी के साथ, कभी भी इतनी तेज नहीं चली। जिंदाबाद। भैया जी अबू जान खेतों की सैर के लिए जा रहे हैं स्नो वाइट पे तो अभी स्नो वाइट को बाहर निकालते हैं। अबू जान स्नो वाइट पे जाएंगे और मैं जाऊंगा जेट पे इंशाल्लाह। हमारी जो है ना 70 यार पेट्रोल इसका ख़त्म है। आवाज़ तो आ रही थी, देख लेते हैं यार पेट्रोल का बहुत है, मैं इसी पे जाऊंगा फिर। लीजिए जी ऐसे चलेंगे। अबू जान कह रहे हैं जब बाइक जा रही है तो साइकिल क्यों लेके जानी है, स्नो वाइट नहीं जाएगी 70 जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी ज़मीनों पे पहुंच चुके हैं और इधर से ये रेत वाली ट्रालियां भी आ रही हैं, यानी इधर नाला डेक में रेत जो है वो भरी जा रही है ट्रालियों में। अल्हम्दुलिल्लाह जी वो जो कमरा देख रहे हैं ना वो अपना डेरा है और इधर जितनी ज़मीन आपको दिख रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी है। और यहाँ पे ये इसहाक भाई ने हल चला के ना इसको ये ज़बरदस्त कर दिया। गंदम की तैयारियाँ शुरू है ना तो हल चला दी है, अब इसका वत्तर जो है वो दबा दिया है तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में यहाँ पे दोबारा हल चला के गंदम का बीज जो है वो डाल दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसी रास्ते पे सुबह सुबह हम स्नो वाइट पे थे, अभी फिर से यहीं पे हैं। इधर फसल लगी हुई है शटाला जानवरों के लिए, ये इसहाक भाई ने लगाई है, ज़मीन हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह और ठेके पे है इसहाक भाई के पास। और इधर ये धान की यानी ये चावल की फसल जो है ना ये सारी की सारी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मोटर लगी हुई है ना पीटर इंजन, बहुत पुरानी बात है, जब यहाँ पे बोरिंग हुई थी ना डबल हुई थी और मैंने करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वीडियोस भी मौजूद है। तब भी ये दरख्त जो है ना कीकर ये ऐसे ही खड़ा था, ये खराब हो गया हुआ, कीड़ों ने खा लिया इसे। तब वैसे कुछ अच्छी हालत में था, अब तो वैसे ही गया गुजरा है ना, ये देखे ना अब इसकी क्या हालत हो गई है। ये तब भी था अब भी है, तो यहाँ पे बोरिंग हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये मना भी लगा दिया हुआ है ये फसल की निगरानी के लिए, क्योंकि जंगल के जानवर आते हैं ना खासकर सुअर वगैरह, वो खराब करते हैं फसल को। अपने पास पास की जो जमीने हैं वहाँ पे तो हमारे चक्कर लगते रहते हैं, दूर वाली जमीन जो है ना वो आज मैं और अबू जान देख के आए हैं, तैयार हो गई है गंदम की फसल के लिए। कुछ में माश की दाल जो होती है वो फसल लगाई हुई है, कुछ में बाजरा है, कुछ में तिल है, और कुछ जो है वो गंदम के लिए तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ में तकरीबन दो एकड़ में बजे धान की फसल जो है, चावल की फसल जो है ये लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ड्रोनी को यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए उड़ाते हैं। सो गया हुआ था कल भी, मैं यहाँ पे सो गया था। ये सोलर वाला पंखा चल रहा है, इसकी ठंडी हवा हुए हुए क्या बताऊँ, बड़ी मज़े की नींद आई है। खैर जी अभी उठते हैं और खाता वगैरह करवाने वाला है, मैंने सुबह वो जो मशीन थी ना उसी से ये खुद ही सेटिंग वेटिंग की थी, अभी बाहर से करवाते हैं।
और उसके अलावा चक्की जो है सेट करवाने वाली है, वो देखते हैं किससे हो सकती है इंशाल्लाह। सुस्ती उतार ले। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे दाने। शाबाश, ये देखा, ये भाग रही थी, यही आ गई। खा जाओ दाने सारे। माशाल्लाह जी, चक्की के जो है ये ग्राउंड बन चुका है। अभी चक्की के पास जाना तो सही नहीं होगा क्योंकि मिट्टी अभी कच्ची है, इसलिए चक्की का काम आज भी जो है पोस्ट बाउंड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, और कल किया जाएगा। अगर कल यहाँ पे पाँव लगे ना तो फिर इंशाल्लाह। इस पंखे को करते हैं बंद, हो जा बंद, हो गया। और एक अंदर चल रहा है, इसने सुखा दिया माशाल्लाह। ये दीवार रहती है, अभी एक दो दिन इसको चलाया भी नहीं, अभी ये चलेगा। उसके अलावा ये जी टॉवल स्टैंड था, कल भाई मुकर्रम आए थे तो उनके पास था, टाउन से हम लेके आए थे मैं और भाई मुकर्रम। फिर आगे मैं अकेला आया तो ये मेरे से नहीं आ पाया, इसलिए मैंने मुकर्रम भाई के हाँ छोड़ दिया, और अभी वो कल आए, वो ले आए थे। इसको अभी घर पहुंचाते हैं और फिर जाते हैं कटिंग करवाने इंशाल्लाह। वो माशाल्लाह सूरज ग्रूप हो रहा है, कितना ही प्यारा है मोहम्मद। हाँ। बहुत प्यारा है। और मोहम्मद ने कटिंग नहीं करवाई, मैंने करवा ली, फिलहाल ने करवा ली, मोहम्मद ने कटिंग नहीं करवाई, कितनी बुरी बात है। अब कल करवाएंगे। हाँ। अभी करवानी है। हाँ। चलें करवाने। हाँ। वापस चलें। हाँ। पक्की बात है। हाँ। जी जी जी, हमारे मोहम्मद ने भी कटिंग करवा ली है, कितना प्यारा हो गया है। ओए क्या बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी किचन में हूँ। आपको पता है कि लास्ट टाइम ना हमने ये वाली शीट जो है ये किचन में बिछाई थी, फिर क्या हुआ कि पुरानी हो गई, घिस गई कहीं कहीं से, थोड़ी उखड़ने लग गई और बच्चों ने उखेड़ उखेड़ के सारी ख़त्म कर दी। अभी दोबारा से घर की सफाई की है ना, तो ये शीट दोबारा से एक रूल ये डेढ़ रूल जो है ये मिल गई है। तो अभी फिर से डिमांड आई है जनाब, इसको फिर यहाँ पर चढ़ा दिया जाए। तो अभी इसको दोबारा से चढ़ाते हैं और फिर देखते हैं हमारा किचन कितना प्यारा लगता है। शुरू में बहुत शौक था कि वाइट किचन हो, वाइट मार्बल हो, फिर बड़ी मुश्किल से ये मार्बल मिल भी गया। ये ओरिजिनल नहीं है मेरे ख्याल से, आर्टिफिशियल बना, इसकी सफाई रखनी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई हुई है। मुश्किल तो नहीं है लेकिन यह फिर भी वाइट पे कोई भी छोटा सा दाग लग जाए ना और फिर वो बुरा भी लगता है। तो खैर अभी दोबारा से ऊपर ये शीट चढ़ाएंगे, प्यारा हो जाएगा। चिपक गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रूल था, ये हमने लगा लिया, बाकी ये थी लेकिन ये ख़राब हो गई हुई है, ये काम नहीं कर रही। इसकी शाइन भी देख लें, डल हो गई हुई है, लेकिन ये पूरा का पूरा रूल नया था, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हुआ तमाम, कमाल हो गया माशाल्लाह। और भी मंगवाएंगे और लगाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर जी, आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।